मैं कार्डियो अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जो सिंध का सबसे बड़ा दिल के मरीजों का इलाज का अस्पताल है। दिखाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं गटर के पानी में या यहाँ पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ये लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। किसी भी वजह से, कोविड की वजह से, किसी भी वजह से अगर अटेंडेंट अंदर नहीं जा सकता, तो कम से कम उन वो लोग जहाँ पर अपने मरीजों का इंतज़ार कर रहे हैं या लेकर आए हैं, उनके उनकी सेहत के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनको जगह तो ऐसी दे। देखें ये गटर का पानी और ये लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। खैरियत से हैं। कहाँ से आए, किस इलाके से हैं? क्वेटा से आए। किसका इलाज हो रहा है? चाचा का लड़का है। कब से यहाँ पर हैं आप लोग इस जगह पर? 14 दिन से यही गटर के पानी में पड़े हुए हैं। बताएं। सलामुअलैकुम। कितना छोटा सा बच्चा ये गटर के पानी के अंदर ही, सब लोग यहाँ बैठे हुए। मैं कोशिश करता हूँ उस तरफ जाने की, इसको फलांग के। सलामुअलैकुम। क्यों आए हुए भाई यहाँ पर? भाई बच्ची ठीक नहीं है। कितने साल की है? 3 महीने की है। कहाँ से आए हो? सेवन शरीफ से। अंदर बैठे हुए यहाँ पर 6 दिन हो गए। यही गटर के पानी में पड़े हो, यही सोते हो? मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा अपने हुकामे बाला से कि जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो इसको समझते हैं कि लोगों का दर्द क्या होता है, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की, देखें यार हमारे अपने लोग गटर के पानियों में लेटे हुए 6-6 दिन से, 10-10 दिन, 14-14 दिन से उनके मरीजों का इलाज हो रहा है। अगर आप उनको कोई जगह नहीं दे सकते, हमें इजाजत दे दें, हम यहाँ पे शेड लगा देंगे, इस पानी को साफ करवा देंगे। इनका क्या कसूर है? इलाज की सहूलत नहीं थी तो वो सेवन से आया हुआ है, वो क्वेटा से आया हुआ है। छोटी सी बात है, अगर किसी को दर्द हो, खुदा ये वक्त किसी भी फैमिली को ना दिखाए कि उसके मरीज का इलाज हो रहा है और उसको इंतजार में गटर के पानी में बैठना पड़े, तो सिस्टम बनेगा तो छोड़ेंगे ना आपको यार। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी जिनकी जिम्मेदारी है, खुदा के लिए सोचें, हमारे अपने पाकिस्तानी हैं।